पुरानी बात है, जब पक्षियों का राजा धनेश नाम का चील हुआ करता था। वो बहुत क्रूर था। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होकर वो पक्षियों को मार देता था। सभी पक्षी उससे डरते थे। एक दिन उसके अत्याचार से तंग होकर सभी पक्षियों ने मिलकर एक सभा बुलाई। ये सभा धनेश से छुप कर की जा रही थी। उस सभा में धनेश के अत्याचारों पर चर्चा की गई। सभा के अंत में फैसला हुआ कि धनेश को हटाकर किसी दूसरे पक्षी को पक्षियों का राजा बनाया जाए और नए राजा का चुनाव किया जाए। सभा के दौरान किसी ने तोते का नाम सुझाया तो किसी ने मोर का। एक बुजुर्ग गिद्ध ने बुलबुल के नाम का प्रस्ताव रखा। अंत में सभी ने एक मत होकर बुलबुल को पक्षियों का राजा बनाने का निर्णय कर लिया। परंतु धनेश को एक कौन बताएगा कि वो हमारा राजा नहीं है? ये खबर लेकर जो भी उसके पास जाएगा वो अवश्य ही मारा जाएगा, क्योंकि धनेश को ये खबर अच्छी नहीं लगेगी। मैं पहले से ही इस समस्या के बारे में सोच रहा था। इसके लिए मुझे मित्र कठफोड़वे की सहायता लेनी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ। महाराज, सभी ने सोचा है कि आपको हमारे सामने अपनी शक्ति व योग्यता साबित करने के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको एक पेड़ की मोटी शाखा को तोड़ना होगा। फिर? यदि आप सफल रहे तो सभी पक्षी आपकी शक्ति व ताकत को जान लेंगे और आप हमारे राजा बने रहेंगे। यदि आप पेड़ की शाखा को तोड़ने में असफल रहे तो जो भी पक्षी उस शाखा को तोड़ेगा वो हमारा राजा होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे उस विशाल पेड़ तक ले चलो, मैं उसे बिना समय गवाए तोड़ दूंगा। तो चलिए महाराज। इस प्रकार उल्लू और धनेश विशाल घने पेड़ की ओर उड़ चले। सभी पक्षी वहां पहले से ही एकत्रित थे। धनेश अपनी चोंच से उस पेड़ की शाखा को तोड़ने लगा। वो कई घंटे तक प्रयास करता रहा और पूरी तरह पसीने में भीग गया, परंतु पेड़ की शाखा को कोई नुकसान न पहुंचा सका। वो बुरी तरह थक चुका था। तब उल्लू ने एक और शाखा की ओर इशारा किया। वो शाखा तो इस शाखा से भी मोटी है। तो अब बुलबुल को इस शाखा को तोड़ने का प्रयास करने के लिए कहा जाए। क्या? हाँ? ये बुलबुल? हाँ। ये तोड़ पाएगी ये डाल? चले देखें। बुलबुल उस मोटी शाखा के आसपास उड़ने लगी। इसके पश्चात वो काफी तेज गति से आकाश में उड़ी और पूरी शक्ति से शाखा पर आ बैठी। ये देखते ही धनेश हैरान और शर्मिंदा हो गया। वो निराश होकर कहीं दूर चला गया। सभी पक्षी खुश हो गए। ये सब हुआ कैसे? दरअसल मैंने कई घंटों पहले कठफोड़वे को पेड़ की शाखा को खोखला करने के काम पर लगा दिया था। बाद में बुलबुल अपनी पूरी क्षमता से शाखा पर उतरी और शाखा टूट गई। मूर्ख धनेश यही सोचता रह गया कि बुलबुल ने ही अपनी शक्ति से शाखा को तोड़ा है।